अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग को उर्दू की दूसरी जमात सबक 6 पढ़ाने जा रही हूँ। सबक 6 में बहुत ही प्यारी सी नज़्म है जिसका उन्वान है इल्म। नज़्म पढ़ने से पहले हम कुछ अल्फाज के माना पढ़ लेंगे जिससे हमें नज़्म को समझने में आसानी होगी। अल्फाज माना: तैयारा हवाई जहाज, जला चमक, लाजवाल हमेशा, दुआ खुदा से मांगना, इल्तिजा दरख्वास्त, बुजुर्गी आबरू। सबको अच्छे से अपने नोटबुक पे नोट कर लेना, इस अल्फाज और माना को याद कर लेना। अब हम पढ़ेंगे नज्म। इल्म एक लाजवाब दौलत है, इल्म एक बेमिसाल ताकत है, इल्म ही से खुदा को पहचाना, इल्म ही से बड़ा बुरा भला जाना, इल्म ही से बुरा भला जाना, इल्म से आदमी की इज्जत है, इल्म से आदमी में हिम्मत है, इल्म ने अकल को जला दी है, नई नई दुनिया हमें दिखा दी है। इस नज़्म में ये कहा जा रहा है कि इल्म एक लाजवाब दौलत है, इल्म हमेशा रहने वाली दौलत है, ये कभी ख़त्म होने वाली दौलत नहीं है, और ये एक बेमिसाल ताकत है, इसमें बहुत ताकत होती है। ये इल्म ही से हमने खुदा को पहचाना है, इल्म से ही हमने बुरा भला जाना है, इल्म से ही हम खुदा को पहचाने हैं, कुरान शरीफ की तलावत किए, नमाज अदा किए, नमाज के बारे में जाने, हदीस की किताब पढ़ें और खुदा को पहचाना है, और इसी से हम बुरा भला को भी दुनिया में जाना है। इल्म से ही आदमी की इज्जत है, इल्म से आदमी की इज्जत होती है, इल्म से आदमी में हिम्मत होती है, यही हमें हिम्मत भी देती है, जो हम अपने इल्म से ही हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। इल्म ने अकल को जला दी है, नई नई दुनिया हमें दिखा दी है, इल्म ही है जो अकल को चमका दिया है और नई नई दुनिया दिखाया है। हम पढ़ने के लिए दूसरी दुनिया, दूसरे शहर जाते हैं, दूसरी दुनिया भी देख के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, दूसरे प्लानेट के बारे में पढ़ चुके हैं, चांद के बारे में, मंगल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये हमें अकल ही इल्म ही है जो हमें चमकाया है और हमें इसके बारे में बताया है और हम इससे जाने हैं। हर समुंदर में तैरने के लिए बन गए इल्म से जहाज नए, हर तरफ उड़ रहे हैं तैयारे, हैं बने इल्म से ये सारे, इल्म की धुन जिसे लगी ही नहीं, सच तो ये है वो आदमी ही नहीं, ये असर हो दुआएं नेर में, इल्म की रोशनी हो हर घर में। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि हर समुंदर में तैरने के लिए बन गए इल्म से जहाज नए। समुंदर में हम देखते हैं कितने सारे जहाज तैर रहे हैं, ये सब कैसे बना है? तो ये इल्म से ही बना है, इल्म से ही ये नाव जो समुद्र में हम देखते हैं कि ये तैर रहे हैं, आसमान में देखते हैं जहाज उड़ रहे हैं, ये सब इल्म के ही जरिया से बना है, इल्म ही हासिल करने से ये सब को बनाया गया है और इसके बारे में जाना गया है। हर तरफ हम देखते हैं तैयारे, तैयारे के माना होता है हवाई जहाज, हर तरफ हम देखते हैं हवाई जहाज उड़ रहा है, ये सब इल्म के ही दौलत से, इल्म के ही बदौलत ये सब बना है, और आज हम इसका फ़ायदा उठाते हैं। आज हम मिनटों में, घंटों में यहाँ से सऊदी पहुँच जाते हैं, इस मुल्क से दूसरे मुल्क पहुँच जाते हैं, ये सब इल्म की ही बदौलत है, अल्लाह ने हमें इल्म अता की है, ये सब इसी से बना है। इल्म की धुन जिसे लगी ही नहीं, सच तो ये है वो आदमी ही नहीं। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जिसे इल्म की धुन नहीं लगी जो, तो ये तो वो समझो वो आदमी ही नहीं, जिसे इल्म की चाहत नहीं हो, इल्म से मोहब्बत नहीं हो, वो तो आदमी ही नहीं, जिसे ये नहीं हो कि हमें इस इल्म हासिल करना है, सच में तो वो आदमी ही नहीं है। ये असर हो दुआए नीर, इल्म की रोशनी हो हर घर में, ये सफ़ीउद्दीन नीर जिसने ये नज़्म को लिखा है, ये उसी का नाम है। ये कह रहा है कि ये असर हो, अल्लाह से हम दुआ करें और हमारी दुआ का ये असर हो कि हर घर में,
इलिम की रोशनी हो, यानी हर घर में इलिम, बच्चों को इलिम हासिल करने का, बच्चों इलिम हासिल करे और उस इलिम हासिल करने का मौका मिले और वो इलिम हासिल करे, हर घर में पढ़ा लिखा हो, हर घर में इलिम हो। ये हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसा हो, मेरे दुआ में असर हो और मेरा दुआ को अल्लाह कबूल फरमाए कि हर घर में इलिम की रोशनी हो, हर घर का आदमी पढ़ा लिखा हो। इस नज़्म को और अल्फाज के माना को अच्छे से याद कर लेना। खुदा हाफिज़।